वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब विजय बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो गाइस, थंबनेल और टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग जा रहे हैं पंचेत डैम, और बहुत मतलब बहुत सालों के बाद जा रहे हैं। ऐसे ही घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, और रीज़न यह है कि हम लोगों का फर्स्ट सोमवार ही आज है और फास्टिंग भी है, दिन भर कुछ काम है नहीं। हम लोग बंगाली जो कैलेंडर रहता है पांजी, उसी के हिसाब से सारा फेस्टिवल भी होता है, शादी वगैरह, और सावन भी हम लोग बंगाली कैलेंडर के हिसाब से ही चलते हैं। तो उस हिसाब से आज हम लोग का फर्स्ट सोमवार ही है, तो आज हम लोग का फास्टिंग है। तो सुबह से बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो अभी बज रहे हैं 2:30। तो जीजा जी भी आए हुए थे और दीदी का भी आज स्कूल नहीं है, तो बोली चलो घूम के आते हैं। सामने ही है, ज़्यादा दूर है नहीं, उतना भी सामने नहीं है, तो सोचे चलो घूम के आते हैं। अभी फिलहाल दीदी और अंशु रेडी हो रही है, हम रेडी हो चुके हैं, और तो चलिए दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, स्कूटी से जाएंगे, मज़ा आएगा। रोड ट्रिप करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप लोगों को भी ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा और न्यू प्लेस देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन। अच्छा शुरू से, तो तू रेडी होके आएगी तब ना? अभी तो रेडी हो ही है। ढीला हो रहा टी-शर्ट तुम्हारा? ढीला हो रहा, दूसरा पहन लो। अच्छा ठीक है, बोलो। हेलो गाइस, अभी हम नया टी-शर्ट पहन के जा रहे हैं पंचेत डैम। पंचेत डैम हाँ, कौन कौन बोल? ज्योति मासी, मम्मी और हम पापा। पापा हाँ, तो अभी फिलहाल हम रेडी हो चुके हैं, अंशु को रेडी करना है और बस निकलेंगे। बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, पता नहीं शायद बारिश भी हो सकता है, तो देखते हैं। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए ब्लॉग पे बने रहिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ तो चलिए हमारे साथ, चलिए हमारे साथ। गाइस फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं। हेलो गाइस, अभी इधर रेडी हो गई है, चलिए चलते हैं हम लोग। रास्ते पे रुके हैं और यहाँ पे व्यू इतना खूबसूरत था कि हम लोग यहाँ पे रुक गए, क्योंकि जीजा जी अभी आ ही रहे, रास्ते पे हैं। इतना अच्छा व्यू लग रहा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, उधर पूरा नदी जैसा। रुके दिखाते, गाड़ी आ रहा है, रुको ना, रुको। सोच रहे हम लोग नीचे जाएंगे, बहुत है, चलो। तो अभी हम लोग नीचे से जा रहे हैं देखने के लिए, क्योंकि व्यू बहुत खूबसूरत है, हमको ऐसा प्लेस बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ, के लिए जा रहे हैं हम और अंशु, थोड़ा सा फोटो क्लिक करवा लेंगे।
यहाँ का व्यू देख सकते हैं। इसका नाम दुधिया पुल है, दुधिया पुल है जो बलियापुर से थोड़ा सा आगे है। बहुत खूबसूरत प्लेस है। सोचो इस बार कर्मा का जो शूट होगा वो यहीं पे करेंगे, क्योंकि बहुत व्यू मतलब बहुत प्यारा है। हाँ तो थोड़े नहीं, और पानी इतना मतलब फ्लो कर रहा है। और फिलहाल अभी चलते हैं हम लोग पंचायत डैम जहाँ के लिए निकले हैं। तो अंशु पूरा बदमाशी कर रही है। हम लोग पंचायत डैम पहुंच चुके हैं, घूम भी लिए। घूमने जैसा क्या मतलब ऐसे ही टिक्की लाई रोड पे घूम रहे, पुल है, पुल ब्रिज यहाँ पे घूम रहे हैं बस। और बस अब निकल जाएंगे क्योंकि ऐसे ही इवनिंग हो चुका है, 5 बज चुका है। हम लोग घर से निकले थे 3:30 बजे। और मेरी फ्रेंड का एक घर है यहीं पे सामने, स्कूल की फ्रेंड है, बहुत दिनों से मतलब बहुत सालों से नहीं मिले हैं, उसको कॉल किए थे तो देखते हैं उसी के घर जा रहे हैं अभी फिलहाल, बहुत साल बाद मिलेंगे। मेरी स्कूल की फ्रेंड थी, तो चलिए चलते हैं अभी फिलहाल। और मैंने आप लोगों को दिखा दिया पंचायत डैम, यहाँ पे बहुत उतना भी ज़्यादा अभी तो बहुत कम पानी है, इससे भी ज़्यादा पानी रहता है मैथन डैम में, तो अभी बहुत ज़्यादा पानी है। और यहाँ पे वीडियो फोटो वीडियो लेना मना है, पुलिस आ रहा है, तो चलिए अभी बाद में दिखाते हैं। सीढ़ी दिख रहा होगा यहाँ से नीचे जाने से, नीचे पार्क भी बना हुआ है और
घूमने का बहुत सारा प्लेस भी है, पर अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं नीचे। फाइनली हम लोग पंजे डैम से घर आ चुके हैं, मतलब कल रात में ही आ गए थे और रात के 8:30 बज चुका था, बहुत ज़्यादा रात हो गया था इसलिए ब्लॉग को एंड नहीं कर पाए थे। लेट इसलिए हुआ था क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था अपनी स्कूल फ्रेंड उससे मिलने गए थे, तो बहुत सालों के बाद मिले और नेक्स्ट टाइम उससे जब मिलेंगे तो अच्छे से ब्लॉग बनाएंगे सिर्फ उसी के साथ। तो वहाँ पंजे डैम अभी जैसे कि कोविड का टाइम चल रहा है, वो मेन बॉर्डर हो जाता है, तो वहाँ पर ज़्यादा घूमना अलाउड नहीं था, इसलिए बस थोड़ा सा डैम दिखा दिया आप लोगों को। वैसे पार्क भी है उधर, एक स्नेक हाउस भी है और एक बहुत अच्छा सा रिजॉर्ट भी है, और कभी ऐसे फुर्सत से जाएंगे, मेरी फ्रेंड लोग भी आएगी तो फिर अच्छा से दिखाएंगे। खैर अभी जितना दिखा पाए, ऐसे भी हम लोग बोर हो रहे थे घर पे तो गए थे ऐसे रोड ट्रिप पे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा लगा स्कूटी चला के। बहुत उधर जगह बहुत ज़्यादा अच्छा था क्योंकि एकदम खाली खाली रोड था। और इधर देखिए अंशु ले आइए केक। कौन कुछ हमें केक लाइए बेटा? मेरे पापा ला दिए हैं, बाबा इसको ला दिए हैं केक। दिखा दो सबको, रुके दिखाते हैं। अरे वाह, तो पूरा फोन कर लेती है रोज पापा को और बोलती है बाबा कुछ ला दीजिएगा, कभी केक कभी फ्रूटी कभी चॉकलेट। तो कल घूम के कैसा लगा था वहाँ पे, मजा लगा था? इधर देख के बोल दो। हाँ, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल हम लोग केक कट कर लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और सोच रहे हैं कि नेक्स्ट ब्लॉग में अपना सेटअप का टूर दिखा दे, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, कुछ कुछ मॉडिफिकेशन करवाना था इसलिए नहीं कर रहे थे। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आई होप कि सेटअप का टूर करा दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बाय बाय।